हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वाला में। इससे पहले हमने लेसन 2 कंप्लीट किया है और साथ में ही लेसन 3 का एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है। हमारे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ में लेसन 3 चल रहा है, इसमें दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म चल रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 का हमने क्वेश्चन लिया था हमने, जिसको हमने विलोपन विधि से कंप्लीट किया था। अब हम उसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से पूरा कंप्लीट कर, हमारा क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन हमारा मेथड चेंज होगा। इससे पहले हमने विलोपन से किया, अब हम इसको प्रतिस्थापन से क्लियर करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा 3.3 का फर्स्ट ही है। इसमें दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अब प्रतिस्थापन मेथड में ये होता है कि दिया हुआ समीकरण को हम समीकरण 1 व समीकरण 2 मान लेते हैं तथा इन दोनों में से किसी एक समीकरण को उठा के हमको समीकरण 3 बनाना है। या तो हम समीकरण 1 ले सकते हैं या समीकरण 2 ले सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ समीकरण 1 लेते हैं, तो हम यहाँ एक लाइन लिखते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जिसमें हमने समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 लिख लिया है। अब इसमें या तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ज़्यादातर हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x हमारा यहीं रहेगा। वो जो 14 है वो भी हमारा वहीं रहेगा। इस y को उठा के हम इधर लेंगे, यहाँ y प्लस का था तो यहाँ पर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। तो इसको हम दे सकते हैं समीकरण 3 नाम, ठीक है। x की वैल्यू आई है 14 माइनस वाई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण, अभी हमने समीकरण 2 से बनाया था, अब हम समीकरण 3 बना उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था हमारा x प्लस y बराबर 14, x माइनस y बराबर 4, ये सेकंड में रखेंगे, एक से बना है तो हम सेकंड में रख देंगे। तो सेकंड हमारा x माइनस वाई बराबर 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4। हमारी x की वैल्यू आई है 14 माइनस वाई, x की जगह पे हम लिख सकते हैं 14 माइनस वाई, और माइनस वाई हमारा पहले का दिया था बराबर में 4। तो हमने एक्स की वैल्यू रखी है 14 माइनस वाई, ठीक है। तो 14 माइनस वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, 14 माइनस वाई ऐसा, ये माइनस कोष्ठक हम बाहर निकाल सकते हैं। वाई रहेगा बराबर 4 रहेगा, 14 माइनस वाई और माइनस वाई हो जाएंगे प्लस माइनस 2y बराबर 4। इस 14 को उठा के हम 4 के उधर लेके जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा था माइनस 2y बराबर 4, मतलब प्लस का 14 था, हम इसको माइनस का 14 कर देंगे। तो माइनस 2y बराबर 14 में से 4 जाएंगे तो हमारे बचेंगे माइनस के 10। हमारा y बराबर बचेगा माइनस 10 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल जाएंगे और 2 5 10। तो हम y बराबर लिख देंगे, हमारा y बराबर 5 आ चुका था। अब हम वही मेथड अपनाएंगे जो हमने विलोपन विधि में अपनाई थी। तो हम लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 व 2 हम किसी में रख सकते हैं, तो y का मान समीकरण हम 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने
हमारा समीकरण दो दिया हुआ था, x माइनस वाई बराबर चार, हमारे y की वैल्यू है ये 5, तो x माइनस 5 बराबर 4, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x बराबर माइनस 5 को उठा के हम उधर लेके जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 9, 5 और 4 को हमने छोड़ दिया तो हमारे कितनी हो गए 9 हो गए, तो हमारा x की वैल्यू हम लिख सकते हैं x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हमारे आंसर सेम आए हैं जो हमारे विलोपन में भी आए थे, अतः प्रतिस्थापन विलोपन विधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी ही अजीब रणखंड विधि के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।